हेलो दोस्तों, आज मैं मेथी के पराठे बनाने वाली हूँ। ठंड का मौसम है इसलिए मेथी के पराठे खाना सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए जानते हैं कि मेथी के पराठे के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने इस बर्तन में आटा ले लिया है, 2 कप आटा है। इसमें मैं 1 चम्मच बेसन मिला दूँगी। घिसा हुआ अदरक लहसुन और मिर्च है, इसे थोड़ा सा मिला दूंगी। थोड़ा धनिया पत्ता, थोड़ी सी अजवाइन क्रश किया हुआ, मेथी के पत्ते, आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा धनिया और 3 चम्मच दही। अब इसे हम लोग मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अब इसमें हल्का सा तेल लगा लेंगे और इसके थोड़ा सा कोटिंग कर लेंगे। अब चलते हैं इसकी रोटी बेलने की तरफ। मैंने गोला तैयार कर लिया, अब मैं इसे बेल के तैयार कर लूँगी। आटा लगाने से बहुत ही आसानी से बेला जा सकता है। ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतला। ऐसे ही सुनहरे पराठे आप भी बनाएं अपने घर पे और इस ठंड में गर्मा गर्म पराठे का स्वाद लें।
मैंने सभी पराठे बना के रेडी कर लिए हैं। आप भी ऐसे ही घर पे बनाएं और खाएं। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आप भी ऐसी रेसिपी फॉलो करें और अपने घर पे मेथी के पराठे ज़रूर बनाएं। थैंक यू।